जल जीवन बचाओ मोर्चे दे वल्लों फरीदकोट दीआं नहरां विशेष ढंग दे नाल पक्कियां करन दे विरोध दे विच इक वड्डा रोस मार्च कढ़िया गया, जिस विच वड्डी गिणती दे विच वातावरण प्रेमियां, समाज सेवी संस्थावां दे आगूआं, राजनीतिक ते गैर राजनीतिक शख्सियतां दे नाल नाल शहर वासियां दे वल्लों भी हिस्सा लिया गया। इस मौके गलबात करदिआं मोर्चे दे आगू शंकर शर्मा ने सरकार नूं चेतावनी दित्ती कि जेकर सरकार ने अपना फैसला ना बदलिया तां तिखा संघर्ष विढ़िया जाएगा। सोसाइटियां और किसान जथेबंदियां एक झंडे दे हेठा इकट्ठे हुए हैं जल जीवन बचाओ मोर्चा दे दिन। ये सानू क्यों लोड़ पई? पंजाब सरकार का जो लोक विरोधी फैसला आया भी साड़ियां जोड़ियां नहरां नूं पक्कियां कीतियां जा रहा है, बैड के उपर जिहड़ी हैगी है एक फाइबर लेयर शीट पाण लगे है और साइडां दा कंक्रीटीकरण करन लगे गए है जी। ये सरकारां की चाहुंदियां? ये साड़ियां जग जाहर है, सारा अपना पंजाब का पानी इतों फाइबर लेयर शीट पा के बाड़मेर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम ना मिलकर राजस्थान की जो रिफाइनरी लग रही है उन्होंने वड्डी मात्रा दे विच पानी देना है। जे इतों पक्कियां नहीं कीतियां जांदियां तो उत्थे उस तादाद दे विच पानी पहुंचेगा नहीं, जिदे करके ये सारा कुछ किया जा रहा है और इहदा असीं सख्त शब्दों के विरोध करते हैं, किसी भी हालत नहीं होण देंगे। पंजाब सरकार नूं असीं अपील करते हैं कि ये जिहड़ा फैसला इहनूं तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो धरती हेठले पानी की रीचार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और जो नहर के किनारे दरख्त है जो भी सुकने शुरू हो जाएंगे। खबर फरीदकोट तो जिथे डीएपी खाद की वंड खेतीबाड़ी विभाग की निगरानी दे विच करवाउण दे फैसले तो बाद डीलर काफ़ी नाराज नजर आए, जिन्हें अपना रोस प्रगटाउण दे लई मुख खेतीबाड़ी दफ्तर का घिराओ किया, रोस प्रगटाउण दे लई अपने लाइसेंसा दीआं कापियां तक पाड़ दित्तियां। इस मौके खाद डीलर ने कहा है कि डीएपी के रैक लगन तो 30,000 बोरियां जिले दियां सोसाइटियां नूं मिलियां ने, जबकि सिर्फ 500 बोरी खाद डीलर नूं मिली, जिसकी वंड भी खेतीबाड़ी अफसर की निगरानी हेठ करवाई जाएगी। इस ते उन्हां नूं एतराज है। डीएपी का रैक लग्या सीगा जिहदे विच 30,000 बोरी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ नूं गई है, सिर्फ 5,000 बोरी सारे जिले च आई है फरीदकोट डीलरस नूं, सारयां नूं तकरीबन 500 किसी 300 किसी 500 इदां बोरियां डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। उस विच चीफ एग्रीकल्चर फरीदकोट का बड़ा पैनिक क्रिएट किया गया, डीलर उपर प्रभाव प्रैशर बनाया गया, ये कह के सुबह 9:30 बजे जाने तो पहले बंदे अपॉइंट किए गए, धक्के नाल डीएपी वंडाउण की मुहिम चलाई गई उन्हां वल्लों, जिन्हां तो दुखी हो गया। असीं चीफ साहब कोल आए, उन्हां कोल मीटिंग की, लेकिन सानूं कोई बेसिटा निकली, कोई सानूं गलत मिसबिहेव किया गया, इत्थे आके सारे मैंबर आए टोटल, उदो बाद रोश वजो सोसाइटीज अज तक कोई बंदा अपॉइंट नहीं होया, कोई बंदा गया नहीं, कोई डीएपी वंडाई नहीं उन्होंने, उत्थे सिर्फ प्राइवेट नूं तंग किया गया चीफ एग्रीकल्चर वालों। बंदा आके साडी दुकान ते 9 बजे बैठ गए, कल दे फोन करी जांदे आ, सवेरे 9 बजे असीं दुकानां ते पहुंचे नहीं, बंदे पहलां बैठे भी असीं वंडांगे, इहनां कोल की अख्तियार है भी साडे कोल, असीं खाते पैसे लाए आपदे काकां नूं देना, असीं मंगाई असीं कोई ब्लैक कर रहे हैं, कोई समान नाल दे रहे हैं, पर महकमा सानूं ਨਿਜਾਇਜ਼ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਬੀ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਕਸਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੰਡ ਲੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵੰਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2100 ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5-6-600 ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10-10 ਬੈਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀਲਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਦ ਵੰਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।